नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला अस्पताल में चलाया गया विशेष अभियान। आगे बात होगी गोंडा की, जहां प्राइवेट अस्पताल का बड़ा कारनामा। डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को बेहतर इलाज के लिए किया गया रेफर। अंत में बात होगी राजस्थान की, जहां विधायक ने समर्थकों के साथ थाने में दिया धरना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला चिकित्सालय आगर में विशेष नवाचार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता की उपस्थिति में किया गया, जिसमें जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर CMHO व जिला अस्पताल के स्टाफ पुलिसकर्मी के साथ OPD में आने वाले मरीजों व उनके परिवारजनों को रोककर चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान उनके पास पाई गई बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू जब्त की गई। उन्हें तंबाकू का सेवन ना करने की समझाइश दी गई, साथ ही तंबाकू से होने वाले नुकसान और शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। इसके साथ ही संपूर्ण जिला स्वास्थ्य संस्थानों में भी तंबाकू छुड़ाने की शपथ दिलाई गई। इस गतिविधि के दौरान डॉक्टर जितेंद्र कैथवाल, डॉक्टर दिव्यांग सोनी, मान सिंह चौहान, अविनाश गहलोत, भारत सिंह परिहार आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर राजेश गुप्ता CMHO का क्या कुछ कहना है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और हमने भी एक नवाचार किया। जिला अस्पताल में हम गए और जनरली क्या होता है कि मरीज बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये लेके अंदर पहुँचते हैं, तो हमने गेट पे ही पुलिस कर्मियों को भी खड़ा किया, मैं स्वयं भी खड़ा हुआ था और सबकी तलाशी लेकर ये बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू जो भी उनके जेब में थी उन्हें हमने बरामद किया है। तो इससे काफ़ी हमारे साफ सफाई में भी होगा और दूसरों को साथ में उन लोगों को जागरूक भी किया है कि तंबाकू का सेवन, किसी भी तरह का सेवन उसको छोड़ दे, क्योंकि इससे कैंसर होने की संभावना होती है और विभिन्न बीमारियां जैसे कि ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, पेंक्रियाज है, हार्ट है, इन सब पे भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमने इस अभियान के तहत जन जागृति भी फैलाई है, साथ में ही अब सामाजिक न्याय के साथ हम मिलकर सुबह 7 बजे से के रैली भी बच्चों की निकाली है, साथ में विभिन्न गतिविधियाँ, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रदर्शनी, ये सब काफ़ी प्रतियोगिता हमने की है। तो हमारा उद्देश्य है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि तंबाकू सिगरेट का सेवन ना करें, ताकि इससे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है और वर्तमान में क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है तो दोहरी मार का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए इसका निषेध आज। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर गोंडा से, जहां बता दें कि डॉक्टरों की लापरवाही ने आज एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जी हां, मामला गोंडा जिले का है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत SCPM हॉस्पिटल का है, जहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसकी शिकायत करने पर अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने मृतक परिजनों के साथ गाली गलौज कर जमकर मारपीट करने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में अस्पताल के कर्मचारी उग्र होकर मारपीट कर तीमारदारों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के भभुआ पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ढूंदा गाँव के रहने वाले 40 वर्षीय ओम प्रकाश दुबे की देर शाम भीषण गर्मी के चलते तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें SCPM हॉस्पिटल में लाकर भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान ओम प्रकाश दुबे की मौत हो गई। इतना ही नहीं, तीमारदारों के अनुसार पैसे बनाने के लिए मरीज की मौत के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया जा रहा था। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है। अगर वह चाहती तो हम घर भेज देते, क्या कर देते, हम दवाई नहीं लेकर जाते, मगर हम अपने भाई को घर लगा देते। बाजी देखा ही नहीं किए, एक को आए तो कहा था कि हम जहाँ सुई लगाए दे, जब लगाए दी जहाँ सुई, जहाँ सुई लगाए दी, नहीं बल्लाई नहीं हम जीव, नहीं हमारे भाग रात से पूछा जाते कि अगर सीरियस हुआ तो हम इसको जवाब दियो, पता ही नहीं कि ये नॉर्मल है, सब कुछ को 48 घंटा हमें मौका दियो, उनके पास सब सही हुई। जब ये खत्म हो गया तब एम्बुलेंस बुलाई नहीं, एम्बुलेंस में
डेड बॉडी ला दे लखनऊ रेफर कर। हम बताई थे कि यार जबरदस्ती ये न करो, ये खत्म है, तो ये हमारे गेट जबरदस्ती बनती है, नहीं उंगली दबी है उनके जो गाड़ी वाले कहें हम तीन बने लाओ न ले जाओ हमका भैया भगवान हो जाओ जबरियन गए बैठ गए देखा भैया तुम्हारे जीवन नहीं तो खाली गाड़ी गाड़ी कूद गए उठी चिल्लाए लागे उनके वो जन लोग सबका मारे लागे वीडियो बना है तीनों जनी चिल्ला लागे लंगर सोच वाले वाइपर भरा हुआ देखो वही वाइपर भर 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 भर। 30 मई 2024 को समय शाम करीब 7:30 बजे थाना कोतवाली नगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि SCPM हॉस्पिटल में एक मरीज के परिजन और अस्पताल कर्मियों के मध्य वाद विवाद हो रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर एवं COCT द्वारा मौके पर पहुंचा गया और वहां पर पाया कि एक मरीज ओम प्रकाश दुबे निवासी दुआ बबुआ थाना करनेरगंज को उपचार हेतु SCPM लाया गया था, जहां पर दौरान उपचार उसकी मृत्यु हो गई। इस पर मृतक के परिजनों एवं अस्पताल कर्मियों के मध्य वाद विवाद हुआ था। पुलिस द्वारा मौके पर तत्काल पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश की गई और मामला शांत करवाया गया। अभी तक दोनों पक्षों में किसी के द्वारा भी पुलिस को कोई तैयारी नहीं दी गई है। पुलिस द्वारा जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर झांसी के बरुआ सागर से, जहां झांसी SSP राजेश एस बरुआ सागर थाने का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। थाना प्रभारी ASP अंतरिक्ष जैन द्वारा थाने का सुंदरीकरण कराए जाने का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों सहित मालखाना बैरक सहित अन्य बिंदुओं पर निरीक्षण किया। SSP ने थाने के सुंदरीकरण पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि थाने परिसर की साफ सफाई सहित माल निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। SSP राजेश ने प्रशिक्षु IPS अंतरिक्ष जैन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बरुआ सागर पुलिस ने 5 माह पूर्व हुए पुजारी हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिस पर SSP राजेश ने ASP अंतरिक्ष जैन सहित पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने की बात कही। ASP अंतरिक्ष जैन की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए बताया कि प्रशिक्षण कार्यकाल में IPS ने जनता से मधुर व्यवहार के साथ फरियादियों पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं इस विषय में SSP झांसी का क्या कुछ कहना है। सर, आपके द्वारा बरुआ सागर थाने का निरीक्षण किया गया, क्या किन बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया? आज झांसी जनपद में मेरे द्वारा बरुआ सागर थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। अब यहाँ पे ASP अंडर ट्रेनिंग जो थानाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे अंतरिक्ष जैन, उनका कार्यकाल में क्या क्या बदलाव आया है, किस तरह से उन्होंने मालखाना का कुछ चेंजेस किया है और थाना में जो कुछ मरम्मत कार्य किया गया उसको लेके, और अभी आगामी जो काउंटिंग का हमारा है उसको 4 तारीख को है चुनाव का जो काउंटिंग का है उसको लेके, क्षेत्र में काउंटिंग के बाद शाम का समय में किस तरह का सुरक्षा रखी जाएगी, इस बिंदु को भी चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब जैसे मैंने पूरा भी निरीक्षण किया है, मालखाना से लेके कार्यालय परिसर और हर चीज़ में बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा काम किया गया इनका द्वारा, तो मैं पूरा थाना जो कर्मचारी लोगों को भी अभी मीटिंग लूँगा और इन लोगों को भी समस्या मैं सुन लूँगा। अदरवाइज़ जो पिछले कुछ महीनों में इनका कार्यकाल में अच्छा कार्य किया गया उसको तारीफ की कर रहा हूँ और बधाई के लिए मैं अलग से इन सबको एक मीटिंग भी रखूँगा। सर, पुजारी हत्याकांड में 5 महीने हो गए थे, IPS साहब ने, प्रशिक्षु IPS ने खोला, क्या कहेंगे उसके बाद? हाँ, जो एक पुजारी का हत्या हो गई थी जिसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद भी क्लू नहीं मिल रही थी, तो प्रशिक्षु IPS जब ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के बाद इनका द्वारा अच्छा मेहनत करके उस घटना का खुलासा किया, उसके लिए अलग से सभी लोगों को जो टीम में काम किए सभी लोगों को इनाम भी दिया जा रहा है और प्रशिक्षु IPS साहब को अलग से प्रशस्ति पत्र। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। खबर राजस्थान से, जहां भरतपुर के बयाना कोतवाली थाने में शुक्रवार दोपहर विवाद की स्थिति बन गई। बता दें, बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने अपने ड्राइवर के साथ थाने में मारपीट की घटना के विरोध में समर्थकों के साथ थाने पर धरने पर बैठ गई। विधायक ने मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग रखी। इसके बाद एडिशनल SP ने थाने के हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इसके बाद जाकर विवाद शांत हुआ।
विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत की गाड़ी का पर्सनल ड्राइवर धर्मवीर अपनी पत्नी के साथ कोतवाली थाने पर कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आया हुआ था। विधायक का आरोप है कि इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार ने वेरिफिकेशन करने के लिए रिश्वत के तौर पर 200 रुपए मांगे। ड्राइवर के रुपए नहीं देने पर हेड कांस्टेबल और मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने ड्राइवर को चाटे मारे और धक्का देकर थाने से बाहर निकाल दिया। इसके बाद ड्राइवर ने विधायक को फोन कर घटना से अवगत करा दिया। ड्राइवर की सूचना पर विधायक बनावत और उनके पति भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल थाने पहुंचे और समर्थकों के साथ थाने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विधायक ने दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने और उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। सूचना पर एडिशनल SP ब्रिजेंद्र सिंह भाटी, CO अमर सिंह मीणा, SHO बाबूलाल गुर्जर ने विधायक से समझाइश की। एक घंटे चले धरने के बाद एडिशनल SP ब्रिजेंद्र सिंह भाटी ने हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार को लाइन हाजिर के आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही घटना की जाँच को अमर सिंह मीणा को सौंप दिया है। इसके बाद जाकर मामला शांत हो पाया। बता दें कि प्राथमिक जांच में अभद्रता के आरोप सही पाए जाने पर हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। अभी मैं तो अपने घर पे थी और रूपा जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि रूपा से शाही तालाब का अभी काम चल रहा है सफाई का। हम लोग अभी अपना लंच कर रहे थे तो अभी मेरे दो ड्राइवर है मेरे पास, दूसरे ड्राइवर का फोन आया कि जो निरंजन मेरा धर्मवीर जो ड्राइवर है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आया था। उससे जो क्या नाम है राजेंद्र जो HM लगा हुआ है उसने 200 रुपए मांगे और नहीं देने पर उसके साथ अभद्रता की, उसको चांटे मारे, बाल खींचे। और जब मुझे पता चला तो मैं तुरंत यहाँ पहुंची और उसकी पत्नी 2 महीने पहले ही उसकी डिलीवरी हुई है, उसको धक्का देकर यहाँ से निकाला गया। तो मेरे को जब पता चला इस सब घटना का तो मैं तुरंत यहाँ पे पहुंची कि जब मेरे ही ड्राइवर के साथ ऐसी स्थिति हो रही है तो आम जनता के साथ पुलिस क्या करती होगी। तो इसीलिए मैं धरने पर बैठी और SP साहब से मेरी बात हुई और SP साहब ने निर्देश दे दिए इनको, CO साहब को और SP साहब को, कि आप कार्रवाई कीजिए, उसको लाइन में भेजिए, तुरंत रवाना कीजिए और 2 दिन में जांच होती है, सस्पेंड कर देते हैं तो ठीक है, नहीं दोबारा हमें यहां बैठना नहीं पड़े, ऐसी मेरी अपेक्षा पुलिस से है। अभी उन्होंने कहा है माननीय विधायक महोदय का ड्राइवर साहब जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराने के थाने पर आए होंगे, तो उनका जो मोबाइल है वो जेब में इस तरीके से रखा हुआ था कि उसका जो कैमरा है वो इस तरफ था। तो जो हमारे HM है उनको हेड कांस्टेबल जो होता है उसको ऐसा डाउट हुआ कि सारी वीडियो वगैरह बना रहा है, इस बात पर उन्होंने उसको शायद कुछ अभद्रता की होगी या धक्का देकर बाहर निकाला, इस तरीके के आरोप हैं। इस संबंध में जो है वो प्राथमिक रूप से मैंने इसमें अभी थाने पर आके पता किया तो ये बात लगभग सही है कि अभी उन्होंने उसको पकड़ के बाहर निकाला इस डाउट के अंदर। तो हम उसको अभी माननीय विधायक महोदय का मांग इनकी तो उसको अभी लाइन हाजिर कर रहे हैं, उसकी जांच है, वो जिस हिसाब से जाँच दे रहे हैं और ये 2 दिन में जांच पूछ भी करके उसकी करके करेंगे और जो भी कार्रवाई होगी अमन मिलाएंगे। राजस्थान से CNU संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां थाना खुदागंज के निवासी मोहल्ला रामबाग गाड़ी कस्बा निवासी ललुआ खान ने बताया कि खुदागंज सदर प्रथम कस्बा निवासी प्रेमा देवी पत्नी राम बहादुर व उनके बेटे मुकेश, सुरेश, सुनील आदि ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ललुआ खान ने पट्टे की जमीन को कब्जा कर रखे है, ये आरोप सरासर झूठ एवं निराधार है। पीड़ित ललुआ खान को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से व शाहजहांपुर राजस्व विभाग से जो आदेश हुए, ललुआ खान की जमीन मिली जिसकी गाटा संख्या 10/1 है। प्रेमा देवी के नाम कोई पट्टा अभिलेखों में दर्ज नहीं है। लेखपाल की रिपोर्ट के मुताबिक कोई पट्टा अभिलेखों में दर्ज नहीं है। पीड़ित ललुआ खान ने कहा कि मुकेश, सुनील आदि ये लोग कई बार गंभीर मामलों में जेल जा चुके हैं और दबंग टाइप के लोग हैं जो कि फर्जी प्रार्थना पत्र और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निराधार आरोप लगाकर अधिकारियों को एवं शाहजहांपुर शासन प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। पीड़ित ललुआ ने कहा कि मेरी छवि भ्रमित की गई है और हमारे साथ अधिकारियों को भी गुमराह किया है। वहीं पीड़ित ललुआ खान ने शाहजहांपुर शासन प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जितनी भी जांचें प्रेमा देवी करवा ले, मैं बिल्कुल निर्दोष निकलूंगा। अगर प्रेमा देवी उनके बेटे के आरोप सत्य पाए जाएं तो मुझ पर कार्रवाई हो, वरना प्रेमा देवी उनके बेटों पर 420 का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए। जी, क्या नाम है आपका? ललुआ खान। जो प्रेमा देवी है जो खुदागंज कस्बे की निवासी हैं, आप पे आरोप लगाया कि अब उनकी पट्टे की जमीन को जो है आपने कब्जा कर लिया है, तो ऐसा क्या है? ये फर्जी पट्टा दिखा के जमीन हड़पना चाह रहे हैं हमारी। अच्छा, 10 नंबर की जमीन है हमारी, हड़पना चाह रहे हैं, फर्जी पट्टा है। अच्छा, कोई तहसील की रिपोर्ट है। अच्छा, उनका जो पट्टा है अब लोगों में दर्ज है कहीं पे? कहीं भी पूरी तहसील में कहीं दर्ज नहीं है। अच्छा,
तो ये परिवार हम निकलवा लाए। तो आपका क्या नाम है? ललुआ खान। गांव कौन सा है आपका? खुदागंज। अच्छा, तिलर तहसील जिला सा यहाँ पर। तो जिसकी बात ये कर रहे हैं कि पट्टे की जमीन कब्जा कर रहे हैं, वो तालाब है जिसमें, तो वो किसका है? वो जमीन मेरी है। वो जमीन आपकी है ना? जमीन है मेरी, तालाब भी नहीं। वो आपकी निजी जमीन है? निजी जमीन है मेरी। अच्छा, तो उसका तो आपके पास इंतखाब वगैरह होगा? इंतखाब है, हाई कोर्ट का आदेश है, लेखपाल की नकल लाया, लेकिन बाग कोई पट्टा नहीं है, उस पर जबरदस्ती हर लेख लगवाना चाह रहे हैं। कौन? प्रेमा देवी। और कौन? मुकेश और सुरेश, ये उनके सब लड़के जबरदस्ती दबाव बना के जमीन छीनना चाह रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? जो जेल रहे हुए हैं 7 साल, मुकेश जेल है, एक चोरी का मुकदमा है, इसी तरह धमकाते हैं, मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम खामोश रहो। अगर बात करें, वो कह रहे हैं पीड़िता है, जो मतलब उन्होंने आरोप लगाया कि पट्टा है, तो पट्टा है या नहीं? पट्टा नहीं है। आप उसकी जांच की गई क्या? हाँ, जांच की गई, हम कागज लाए निकलवा के। अच्छा, तो किसने, लेखपाल ने जाँच की थी? हाँ, लेखपाल ने कागज दिए, इसमें नक्की करेंगे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं शाहजहाँपुर प्रशासन से? हम प्रशासन चाहते हैं, वो पूरे अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाए हैं, घूमी घूमी फिर रहे हैं, चाहते हैं इसका सही निस्तारण हो जाए और जेल फर्जी पट्टे पे जेल जाएगी। चलो ठीक है। शाहजहाँपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।